जनपद फिरोजाबाद में चाणक फाउंडेशन द्वारा छात्राओं के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षकों द्वारा कोला रोड सुमंगलम गार्डन में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ थाना उत्तर अध्यक्ष रविंद्र कुमार दुबे ने फीता काट कर किया, जिसमें छात्राओं को बताया कि अपनी रक्षा कैसे करें और किस प्रकार से अगर सामने वाला कोई व्यक्ति या कोई पीछे से अटैक करता है तो किस प्रकार से उसका बचाव करें। कार्यक्रम में उपस्थित लोक टीचर के रूप में विवेक राम शर्मा, विशाखा हर्ष आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहाँ से टीचर आ रहे हैं वो सिखाने के लिए, योग गुरु कहाँ से आ रहे हैं? इसमें हमारे योग गुरु जो है बाहर से आए हुए हैं, लेकिन इस समय फिरोजाबाद से ही हैं, जिनमें हमारे एक विवेक सर हैं, राम अर्चित शर्मा राम सर हैं, और विशाखा बहन विशाखा, और बाकी शशांक जी और हर्ष, ये सभी लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और प्रदेश लेवल के चैम्पियन भी रह चुके हैं, ब्लैक बेल्ट्स भी हैं। तो अच्छे जो हमारे ट्रेंड प्रशिक्षकों द्वारा इन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, और चाणक्य फाउंडेशन का उद्देश्य हमेशा रहा है कि प्रताड़ित की और पीड़ित की मदद करना। ये बच्चे भी इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आत्मरक्षा में, कि निश्चित रूप से ये दूसरों की रक्षा करने में सक्षम हों। हमारा उद्देश्य है कि समाज में एक शक्ति इस तरह से अर्जित की जाए ताकि बच्चों में आत्मबल आए, और जब बच्चे निश्चित रूप से ताकतवर होंगे तो उनके अंदर कोई अवगुण भी नहीं आएगा, और हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे अगर मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। हम सभी लोग इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, और हमारा कैंप पूर्णतः निःशुल्क है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, न लिया जाएगा। इसका सारा जो कार्यक्रम है वो चाणक्य फाउंडेशन परिवार और हमारे अभिषेक जी हैं, दिनेश जी, हमारा पूरा परिवार है चाणक्य फाउंडेशन का, इन लोगों की जिम्मेदारी पर पूरा कार्यक्रम होता है, और भविष्य में लगातार हम लोग बच्चों को आत्मरक्षा के गुण देने के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। चाणक्य फाउंडेशन का उद्देश्य यही रहेगा कि हर बच्चा मजबूत हो और हर बच्चा अन्याय से लड़ने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।